माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अपनी लिपस्टिक को प्रॉपर वे में कैसे लगाएं। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि लिपस्टिक लगाना तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको बहुत ही रफ तरीके से हम लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी लिपस्टिक जो है रुक टिकती नहीं है, मिट जाती है और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं फर्स्ट स्टेप जो लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए आपको बताना चाह रही हूँ वो है स्क्रब। यहाँ पे मैं ओरी फ्लेम का शुगर एंड हनी वाला स्क्रब ले रही हूँ। आप कोई भी एक माइल्ड सा स्क्रब ले सकते हैं। ये स्क्रब का हम ज़रा सा हम इसको लेंगे और सबसे पहले अपने लिप्स पे रब करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, जितने भी डेड स्किन है आपके आसपास लिप्स के या लिप्स पर, वो सब आपकी रिमूव हो जाएगी और एक सॉफ्ट सा टेक्सचर आपको लिप्स टच करेंगे तो फील होगा। आई एम डन विद दिस। अब मैं इसको वाइप से एक क्लियर कर लेती हूँ। मैंने इसको क्लियर कर लिया है। अब इसको लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको वेसो केयर थोड़ा सा लगाऊंगी टू हाइड्रेट माय लिप्स। मैंने वेसो केयर लगा लिया है। आप पेट्रोलियम जेली या कोई भी अपना फेवरेट लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिप्स शेड लगाने से पहले मैं आपको स्पेशली एक बात बता दूं कि लिप पेंसिल का बहुत बड़ा रोल होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, लिपस्टिक उठाई और अप्लाई कर लिया। उससे क्या होता है कि लिपस्टिक हमारी टिकती नहीं है, फैलती है और एक बहुत ही अजीब सा लुक आता है लिप्स का। और अगर लिप्स का लुक अच्छा नहीं होगा तो पूरे फेस का लुक ही खराब हो जाएगा। तो याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे एज ब्राउन इज माय फेवरेट लिप कलर, तो मैं आपको ब्राउन लिपस्टिक अप्लाई करना बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन लिप लाइनर लिया है और याद रखिए कि इट शुड बी शार्प। देखिए मेरा लिप लाइनर बहुत शार्प है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। सी, लिप लाइनर लगाने का भी एक तरीका होता है। ये मैंने एक आउटलाइन ले दी है। इसके बाद हम इसी लिप लाइनर से अपने लिप्स को थोड़ा फिल करेंगे। इससे आपकी लिपस्टिक जल्दी नहीं हटेगी। आई थिंक सो 2-4 आवर्स के लिए ये स्टेबल रहेगी। ये हम इसको ऐसे इसी से फिल कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद मैं लिपस्टिक लूंगी। मैं यहाँ पे लोटस की लिपस्टिक ले रही हूँ बिकॉज ये मुझे सूट करती है और अच्छा ब्रांड है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप कोई भी अपना फेवरेट कलर लीजिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं ब्रांड्स बताऊँ आपको, मेरा मोटिव ये है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक लेंगे तो वो मोस्ट कॉमन बात है कि वो अच्छी दिखेगी। सो मेरे पास ये क्रीमी लिप शेड है ब्राउन। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी लिप ब्रश। देखिए, अगर आपको लिपस्टिक बहुत अच्छी लिपस्टिक का एक बहुत अच्छा लुक चाहिए तो येस ऑफ कोर्स मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि लिपस्टिक डायरेक्ट अप्लाई ना करें, ये लिप ब्रश यूज करें और इससे अप्लाई करें।
ये मैं अपना लिप ब्रश ले रही हूँ और इससे हम अप्लाई करेंगे। हम ऑलरेडी आउटलाइन दे चुके हैं लिप लाइनर से, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे, इसको बस अंदर की साइड फिल करेंगे। सी आई एम डन। अब मैं आपको लिप शेड को टिकाने के लिए एक टिप और दे रही हूँ, जो बहुत ही अच्छी टिप है, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। लिप शेड अप्लाई करने के बाद आप कोई भी लूज पाउडर लें। यहाँ पे मैं लैक्मे का रोज पाउडर ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, अपना कोई भी टेलकम पाउडर लीजिए। फिंगर से थोड़ा सा उसे लें और सिंपली डैब करें। ये आपने अपने लिप्स पे डैब किया, उसके बाद आप अपने सेम लिप शेड का एक कोट और लगा लें। दैट्स इट। देखिए कितना सिंपल है लिपस्टिक लगाना, जिसको हम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और लिपस्टिक लगाइए, ट्राई कीजिए, आप पर बहुत अच्छी लगेगी, और अलग अलग शेड्स की ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।